पूल, तो स्विमिंग पूल के पास में बैठ के हम खाना खाएंगे। तो गाइस अभी सूप हमने ऑर्डर किया, सूप आ गया है यहाँ पे हमने। सो मेरा ये नवरत्न कुरमा, दूसरा ये मैंने वेज कोल्हापुरी मंगाया जो। गाइस वेलकम टू संजय का व्लॉग, होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस आज बारिश भी कम है, आज इतनी जोरदार बारिश नहीं गिर रही है। तो आज मैं पंजाबी खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, जो कि है घोड़बंदर रोड पे, एक ब्लू रूफ क्लब है, जहाँ उस क्लब में एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही बढ़िया वहाँ पे पंजाबी खाना मिलता है। तो और मैं काफ़ी बार वहाँ पे खा चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँ। बहुत ही बढ़िया खाना है और वहाँ की लोकेशन भी जो है ब्लू रूफ क्लब की, बहुत ही मस्त है। तो चलिए मेरे साथ आज आपको लेके चलता हूँ ब्लू रूफ क्लब, जहाँ पे रेस्टोरेंट है और वहाँ पे हम खाने का आनंद लेते हैं। गाइज मैं अभी ब्लू रूफ क्लब के लिए निकल रहा हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये थाने घोड़बंदर रोड पे है और ये तकरीबन मेरे घर से 15-20 मिनट ड्राइव पे है। और तो मैं आपको इस ड्राइव में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे और कहाँ है और इसका जो एम्बियंस है बहुत ही बढ़िया एम्बियंस है। तो चलिए मेरे साथ जाते हैं ब्लू रूफ। तो गाइज हम घोड़बंदर रोड पे आ गए अभी और यहाँ से अब तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे है। लकीली ट्रैफिक नहीं है, पूरा क्लियर रोड है आज। तो ये जो रोड जो मैंने आपको बताया था, ये टुवर्ड्स बोरीवली जाने वाला रोड है घोड़बंदर का, और यहीं पे इसी रोड पे ब्लू रूफ क्लब आएगा। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ अभी, देखते हैं, थोड़ा और दूर है। Let's see. और ये अब लेफ्ट टर्न आएगा, ये देखिए लेफ्ट टर्न आ गया है। जैसे कि आप ये बोर्ड पे देख सकते हो, यहाँ लेफ्ट में यहाँ पे है, अब मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू रूफ क्लब। तो ये इस गली में मुझे लेना है जहां से अभी ये ट्रक आ रही है। तो घोड़बंदर रोड से इस गली में टर्न लेना है लेफ्ट टर्न में। यहाँ पे काफी पार्टी लॉन्स वगैरह भी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिल्वर पाम्स भी आया है। तो सीधा सीधा हमको जाना है स्ट्रेट। और इसके एंड पे ब्लू रूफ क्लब आएगा। ये आ गए हैं अभी, ब्लू रूफ क्लब की एंट्री आ गई है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू रूफ क्लब। और ये अभी एंटर्ड हियर ना, सिक्योरिटी भी है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया और सुंदर लोकेशन है इसका। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पार्किंग है, कार पार्किंग है, तो अब मैं वहां पे गाड़ी पार्क कर लेता हूँ। ये मेंबर्स पार्किंग है, तो यहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर लेते हैं। गाइस अभी मैं ब्लू रूफ क्लब आ गया हूँ, मैंने पार्क कर ली है गाड़ी, यहाँ से हमारी गाड़ी आई थी और ये ब्लू रूफ क्लब है। अब मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ और ये देखिए कितना बढ़िया एम्बियंस है यहाँ पे। और यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट भी है और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे स्विमिंग पूल है। तो अब हम जाते हैं खाना खाने के लिए। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट में, ये इंडोर रेस्टोरेंट है यहाँ का, जैसे कि आप देख सकते हो। और अब मैं बाहर के और हम लोग ये खाना खाने वाले हैं। और यहाँ पे है स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल के पास में बैठ के हम खाना खाएंगे। और ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है यहाँ का। ये देखिए जैसे आप नेचुरल जो विलेज में खाना खाते हो बैठ के, वैसा है। और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, तो दोनों कॉम्बिनेशन है आपके पास, स्विमिंग पूल के साथ हम बाजू में बैठ के खाना खाना। और ये सब पेड़ है वगैरह यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया है देखिए। और यहाँ
यहाँ पे स्विमिंग पूल है और अब हम यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे और भी आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पे भी है चार जन के लिए, अगर सिर्फ चार जन आए खाना खाने के लिए तो भी आप छोटे से यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो। बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का, एकदम पीस है, शांति है और यहाँ पे बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो। स्विमिंग पूल के बाजू में बैठ के भी आप खाना खाना है तो वो भी एंजॉय कर सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले बताया वहाँ पे भी अंदर इंडोर रेस्टोरेंट भी है, तो अगर आपको अंदर बैठ के खाना खाना है तो वो भी कर सकते हो। बहुत ही सुंदर, चलिए अब हम यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। तो गाइस अभी सूप हमने ऑर्डर किया है, सूप आ गया है यहाँ पे, वेज मनचाओ सूप ऑर्डर किया है हमने। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। बहुत ही बढ़िया और लज्जेदार लग रहा है ये देखते हुए। चलो मैं अब इसको टेस्ट करता हूँ। बहुत मस्त है यार, मजा आ गया। तो गाइस मैं अभी ये गोवा मेरी ड्रिंक मंगाया है, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलो मैं इसको भी टेस्ट करता हूँ अभी। बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए लेट्स सी। वाओ बहुत बढ़िया, थोड़ा सा इसमें तीखा फ्लेवर भी है, स्पाइसी भी है और ऐसे लग रहा है गोवन गोवा का जूस पी रहा हूँ मैं अभी। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, भाई मज़ा आ गया भाई। जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो क्या एम्बियंस है, सब ट्रीज है वगैरह है, सामने स्विमिंग पूल है, बहुत ही शांत वातावरण है। आपको अगर रिलैक्स करना है अपने फैमिली के साथ आके यहाँ पे चिल कर सकते हो। बहुत ही मज़ा आ गया भाई। रेस्टोरेंट में जो बंद रेस्टोरेंट होती है, जो लेविश रेस्टोरेंट होती है, आया एग्री वो भी पसंद आती है, लेकिन ये जो नेचुरल जो एटमोसफियर है, आप शायद बर्ड्स के भी आवाज़ सुन रहे होंगे और यहाँ पे बैठ के जो खाना खाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मज़ा आ गया, आ गया नहीं, नहीं अभी ये मैं पूरा रिकॉर्ड लेना। थैंक यू, थैंक यू गाइस। मैंने नवरत्न कुर्मा और वेज कोल्हापुरी मैंने ऑर्डर किया है। ये नवरत्न कुर्मा और वेज कोल्हापुरी आ गया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले हुए हैं उन्होंने। सो मेरा ये नवरत्न कुर्मा, दूसरा ये मैंने वेज कोल्हापुरी मंगाया है जो थोड़ा स्पाइसी होता है। तो ताकि मैंने दो कॉम्बिनेशन बनाया है यहाँ पे, स्पाइसी एक डिश है और दूसरा एक स्वीट है। तो नवरत्न कुर्मा थोड़ा स्वीट होता है, साथ में मैंने ये नान और कुलचा वगैरह मंगाया है। तो चलिए मैं अब इसकी शुरुआत करता हूँ खाने की और आपको बताता हूँ कैसा है। तो मैं नवरत्न कुर्मा में लेता हूँ। देखते ही मुंह में पानी आ गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चेरी वगैरह भी डाली है उन्होंने, बहुत खूब। तो अभी ये प्लेट में मैंने नवरत्न कुर्मा लिया है और अब मैं लेता हूँ वेज कोल्हापुरी। ये वेज कोल्हापुरी ले रहा हूँ मैं, पहले सलाड वलाड भी ले लेता हूँ थोड़ा मैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये खाने में, मज़ा आ गया भाई। देखते ही पानी आ गया मुँह में और अभी प्लेट में मैंने ले लिया है। और ये मैंने नान मंगाई है, अभी ये नान मैं ले लेता हूँ प्लेट में और खाने की शुरुआत करता हूँ। इसको टेस्ट करते हैं, पहले मैं टेस्ट करता हूँ नवरत्न कुर्मा। मज़ा आ गया भाई, मैं यहाँ पे काफ़ी बार आ चुका हूँ और इसलिए मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसका खाना बहुत ही लजीज और बढ़िया है और अब मैं वेज पूरा पूरी टेस्ट करता हूँ। तो आत्मा तृप्त हो गया, मज़ा आ गया। तो गाइस अभी मैंने खाना खा लिया है और अब मैं पार्किंग की ओर जाता हूँ। अभी काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क हो चुकी है, काफ़ी लोग आ चुके हैं अंदर।
अब मैं पार्किंग की ओर जाके घर की ओर निकलता हूँ। सो गाइस, अभी मैंने खाना खा लिया है और अब घर की ओर निकल रहा हूँ, और बहुत ही लजीज और बढ़िया खाना था। सो आप अभी भी घोड़बंदर रोड पे आए तो ब्लू रूफ क्लब में रेस्टोरेंट में ज़रूर से आएगा, बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है। एक्चुअली मैं काफ़ी बार यहाँ पे खाना खा चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टे ट्यून, टेक केयर।